ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री नवीन पटनायक जी वॉज प्रेजेंट एंड विथ हिम 1820 सीनियर लीडर्स एंड फंक्शनरीज ऑफ द बीजू जनता दल पार्टी वेर प्रेजेंट इन द डिस्कशन एंड ऑल द एस्पेक्ट्स फॉर द कमिंग एंड स्ट्रेटेजी फॉर द कमिंग जनरल इलेक्शन वॉज डिस्कस्ड। ओडिशा में 6 मार्च को भुवनेश्वर से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक माहौल सरगर्म रहा। शाम होते होते जिसका आकलन लगाया जा रहा था उसे और बल देते हुए खबर सामने आई, बीजद सुप्रीमो नवीन पटनायक के नेतृत्व में भुवनेश्वर में बीजद नेताओं की बैठक हुई, तो वहीं दिल्ली में राज्य भाजपा नेताओं की बैठक केंद्रीय नेतृत्व के साथ हुई। बैठक के बाद बीजेपी की तरफ से आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर गठबंधन के संकेत दिए गए, तो वहीं भाजपा की तरफ से कहा गया कि गठबंधन को लेकर चर्चा हुई है मगर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा हम सब उसका अनुपालन करेंगे। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दोनों दलों में गठबंधन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, अब सिर्फ औपचारिक घोषणा करनी बाकी है। जानकारी के मुताबिक एक दिन पहले प्रधानमंत्री के ओडिशा दौरे से ही भाजपा एवं बीजेपी के बीच गठबंधन के संकेत मिलने लगे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक बार फिर नवीन सरकार पर हमला नहीं बोला। इस संकेत को उस समय तब और बल मिला जब बीजेपी नेताओं को नवीन निवास में एवं भाजपा नेताओं को दिल्ली का बुलावा आ गया। ओडिशा से भाजपा नेता दिल्ली गए और बीजेपी के नेता नवीन निवास पहुंचे। बैठक के बाद दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता जब बाहर निकले तो इनके हाव भाव चाल चलन एवं सुर बदले बदले दिखे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री देवी मिश्र और अरुण साहू ने कहा कि आगामी 2024 चुनाव को लेकर चर्चा हुई है, भाजपा बीजेपी में गठबंधन को लेकर भी चर्चा हुई है, ओडिशा के हित में जो भी होगा बीजेपी सुप्रीमो निर्णय लेंगे। बीजू जनता दल की तरफ से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ आगामी 2024 चुनाव को लेकर बैठक की है, जिसमें उन्होंने कहा कि 2036 में ओडिशा 100 वर्ष पूर्ति उत्सव मनाने जा रहा है, ऐसे में ओडिशा के विकास ओडिशा के लोगों के हित के लिए जो भी जरूरी होगा वो किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि गठबंधन की खबरों के बीच बीजेपी के नेताओं ने क्या कुछ कहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सांसद जुअल ओराम ने दिल्ली में हुई बैठक के बाद कहा कि दोनों ही बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा हुई है, हालांकि हमने अकेले चुनाव लड़ने की अपनी बात कही है, अब केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा उसे पार्टी पालन करेगी। वहीं भाजपा नेता सूरत विश्वाल ने कहा कि हम 21 लोकसभा एवं 147 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा सभी उसका पालन करेंगे। दोनों ही पार्टी की तरफ से मिले संकेत से लगभग ये स्पष्ट हो गया है कि अगला चुनाव दोनों ही पार्टी मिलकर लड़ने वाली है, अब केवल औपचारिक घोषणा करनी बाकी है। आपको बता दें कि आम चुनाव से पहले 15 साल बाद एक बार फिर बीजद भाजपा के बीच गठबंधन होने जा रहा है। दोनों ही पार्टियों के गठबंधन को लेकर पिछले 1.5 महीने से जो चर्चा चल रही थी लगभग खत्म हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजद नेताओं के साथ बैठक के दौरान बीजद सुप्रीमो नवीन पटनायक ने गठबंधन को लेकर पार्टी नेताओं को जानकारी दी है। हालांकि भाजपा और बीजेपी के बीच कितनी सीटों पर लड़ेगी ये स्पष्ट नहीं हुआ है। इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।